नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज चंद्रयान टू को। तो जो चंद्रयान टू मिशन है हमारा भारत का, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे और इसका रिजल्ट भी जानेंगे। क्योंकि देखिए, काफ़ी टाइम से, अभी लगभग 1-2 महीने से न्यूज में है, तो हमें इसके बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। चूँकि भारत का मिशन है इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टॉपिक होते हैं तो हमें इन्हें डिटेल में डिस्कस करना होता है, तो हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर को करंट अफेयर में डिस्कस करते हैं, तो उस तरह से वीडियो में उसमें तो करंट अफेयर में आते रहते हैं, तो टॉपिक को अलग से डिस्कस करना पड़ता है। तो पहले हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको बता दें, हमारा चैनल हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम स्टूडेंटों की हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अगर लगता है आपको वीडियो फायदेमंद है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के साथ। आप इसके अलावा और भी वीडियो देख सकते हैं, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर करंट अफेयर के लिए पॉलिटिक्स, इकोनॉमी ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इस तरह से। साथ ही कल से आपको योजना मैगजीन भी मिल जाएगा, योजना मैगजीन के लेक्चर भी मिलने लगेंगे, तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब हमारा जो चंद्रयान टू है इसके बारे में। तो पहले तो हम इसका थोड़ा सा बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, थोड़ा रफली जान लेते हैं, फिर अभी हम इसको अंदर चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो के। तो चंद्रयान एक, देखिए जैसे ही चंद्रयान एक 2008 में सक्सेसफुल हुआ था, उसके बाद भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है चंद्रयान टू है, जो दूसरे नंबर का हमारा चंद्रमा से रिलेटेड अन्वेषण मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो याद रखें, एजेंसी का नाम है जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है भारत की, इसरो है, हिंदी में नाम दिया गया है। साथ ही मिशन जो है यह 23 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड से शुरू किया गया था, ठीक है, 23 जुलाई को। याद रखें, डेट भी पूछी जा सकती है कहीं, तो याद रखें। क्योंकि देखिए, पहले एक डेट थी तो उसको यहाँ पर डिले हो गया था, फिर जाकर यह 23 जुलाई को यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। अब हम बात करते हैं लॉन्च व्हीकल की। तो देखिए, यहाँ पर लॉन्च व्हीकल का नाम है भूतुल्यकालिक उपग्रहण प्रक्षेपण यान Mark 3, यानी कि GSLV Mk 3, ठीक है। तो इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा इसमें 3 उपकरण लगाए गए हैं बड़े बड़े, देखिए, एक तो चंद्रमा ऑर्बिटर, इसका मतलब है सैटेलाइट जो चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगी और इसका डाटा इंडिया यानी कि पृथ्वी पर भेजेगी। इसके अलावा लैंडर से मतलब यह चंद्रमा की सतह पर जाकर उतरेगा, और फिर जब यह लैंडर उतर जाएगा तो उसके अंदर से एक रोवर निकल कर आएगा। रोवर से मतलब यह चंद्रमा की सतह पर चलेगा और यहाँ पर यह डाटा एकत्रित करेगा। तो इसका नाम है यहाँ पर प्रज्ञान। तो इनको अभी हम डिटेल में समझेंगे। और यह सब उपकरण है जो भारत में विकसित किए गए हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो हमारा मिशन है स्वदेशी है, पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसमें कोई भी उपकरण बाहर के देशों से नहीं लिया गया है। इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो चंद्र पानी के, यानी कि चंद्रमा पर जो पानी की स्थिति है, 2008 में जब चंद्रयान फर्स्ट गया था तो पहला ऐसा मिशन था जिसने बताया था कि चंद्रमा पर पानी के कण मौजूद है। तो पता था, ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ भी पानी के तालाब भरे हैं, नदियां बह रही हैं, समुद्र भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पता चला था कि पानी के कण उपलब्ध हैं। तो अब यहाँ पर मिशन को बढ़ाया गया है आगे, और जो पानी की मात्रा है उसकी प्रचुरता, इन सब का मानचित्रण करने के लिए मिशन चंद्रयान 2 बनाया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। अब इसके पहले तो हम उपकरण जानते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह तो हो गया हमारा GSLV लॉन्च व्हीकल जिसे हम बोलते हैं। यह जो व्हीकल है यह एक सैटेलाइट जो चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगा, इसे ऑर्बिटर बोलते हैं, तो यह ले जाएगा। साथ ही इसमें एक लैंडर जिसका नाम है विक्रम जो चंद्रमा की सतह पर जाकर उतरेगा, तो इसका नाम याद रखें, विक्रम हो गया। फिर इस लैंडर में से यहाँ पर एक रोवर निकलेगा जो चंद्रमा की सतह पर चलेगा, जैसे कि आपने रोबोट वगैरह देखे होंगे छोटे छोटे से, या फिर कोई कार या फिर खिलौने देखे होंगे, उस तरह का है यह, लेकिन इसमें उपकरण लगे हुए हैं तो यह ऑपरेट होता है, तो यह डाटा भेजेगा, इसका नाम है प्रज्ञान। तो देखिए, 4 यहाँ पर चीजें हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो याद रखें कौन सी चीज क्या है, किसका नाम क्या है, क्योंकि अभी वहां पर भी जरूरत होगी। अब देखिए, पहले भी हम इसको भेज चुके हैं 2008 में चंद्रयान फर्स्ट, अब हमने इसको 2019 में फिर से लॉन्च क्यों किया है, क्योंकि देखिए, पहले हमने कहीं और लॉन्च इसको भेजा था जो
उसमें हम चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे, तो हमारी जो सैटेलाइट थी वह थी। लेकिन अब हमारा जो इसमें लैंडर भी है चंद्रमा की सतह पर जाकर उतरेगा, और कहां पर उतरेगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो साउथ पोल होता है जिसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं 70 डिग्री तक का दक्षिणी अक्षांश बताया जा रहा है, यहां पर यह उतरेगा। क्योंकि देखिए जो दक्षिणी ध्रुव होते हैं और उत्तरी ध्रुव, जैसे आप पृथ्वी के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव देखेंगे तो आपको अंटार्कटिका और आर्कटिक सर्कल देखेंगे, तो यहाँ पर बर्फ जमी है क्योंकि सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है पृथ्वी पर, इसलिए यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि इस दक्षिणी ध्रुव पर उतरा जाए, हो सकता है यहाँ पर पानी बर्फ के रूप में मिल जाए, तो इसलिए यहाँ इस मिशन को चलाया जा रहा है। अब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं इसका उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, तो देखिए पहले तो देखिए चंद्रमा की जो सतह पर नरम भूमि की क्षमता का प्रदर्शन करना, साथ ही जो यहाँ पर नरम लैंडिंग करना है, हमारा जो रोबोट है, रोवर है, लैंडर है, इनकी सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, और वहां की जो जमीन वगैरह है उनका यहाँ पर एक तरीके से परीक्षण करना है। फिर बात करें देखिए मुख्य रूप से क्या है, चंद्रमा है जो, इसकी स्थलाकृति कैसी है, खनिज विज्ञान कैसा है, तात्विक प्रचुरता कैसी है, चंद्रमा का भ्रमण जो बाहर मंडल है कैसा है, हाइड्रोक्साइड और जल या बर्फ है कि नहीं, यह सब हमें यहाँ पर जाकर पता करना है, और साथ ही साथ हम इसका 3D में मैप भी तैयार करेंगे, पता चलेगा कि चंद्रमा कैसा है। आपने पृथ्वी का मैप देखा होगा, तो आप कोशिश की जा रही है कि चंद्रमा का भी मैप यहाँ पर बनाया जाए। फिर मुख्य देखा जाए तो मुख्य है यहाँ पर पानी की पता लगाना, कि हो सकता है बर्फ के रूप में यहाँ पर पानी हो, तो यहाँ पर इसलिए इसको मिशन को यहाँ पर शुरू किया गया है। अब यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं डिजाइन, तो डिजाइन क्या क्या है इसकी, तो आप देख सकते हैं पहले तो देखिए इसका टोटल वजन है जो 3850 किलोग्राम है, तो काफी ज्यादा है, लगभग 4000 के करीब आप देख सकते हैं किलोग्राम इसका वजन है। और इसी में अगर बात करें इसके यहाँ पर देखिए वजन की बात की जा रही है, तो इसमें यह चारों मौजूद है, इसमें लॉन्च व्हीकल है हमारा, ऑर्बिटर है, लैंडर है, रोवर, सबका वजन यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा देख सकते हैं आप इसकी लागत को देखा जाए तो मात्र यहाँ से 978 करोड़, करीब 1000 करोड़ बोल सकते हैं, जैसा कि हम थोड़ा सा एवरेज लेके चलते हैं, तो आप देख सकते हैं 978 करोड़ रुपए इसमें मात्र खर्च हुए हैं। अगर अमेरिकी डॉलर में बात की जाए तो 141 मिलियन रुपए ही मात्र खर्च हुए हैं, तो अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया को और बाकी दूसरे देशों को तो उनकी तुलना में बहुत कम खर्च आता है हमारे यहाँ पर, इसलिए हमारा इसरो है काफी स्पेशल है, क्योंकि खर्च भी कम रहता है और यहाँ पर आउटपुट ज्यादा देता है। अब अगर बात करें देखिए तो जो लॉन्च व्हीकल है हमारा, यह आप देख सकते हैं यह GSLV है, तो इसमें लागत आई है मान यहाँ पर 375 करोड़, तो GSLV MK3 है, इसकी लागत 375 करोड़ है। उसके बाद जो हमारा मिशन में जो हमारे बाकी जो उपकरण बचते हैं, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, तो इनकी मात्र लागत है यहाँ पर 603 करोड़, तो आप देख सकते हैं मात्र 603 करोड़ यहाँ की इसकी लागत है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं GSLV को, तो इसको जियोसिंक्रोनाइज यहाँ पर लॉन्च व्हीकल बोला जाता है, GSLV MK3 बोला जाता है, यह 3 चरणों वाला है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लिक्विड भरा रहता है, गैस भरी रहती है, तो इसलिए इसको चरण वाला बोल दिया जाता है। आप PSLV देख सकते हैं, और हमने चंद्रयान फर्स्ट भी डिस्कस किया है, मंगलयान डिस्कस किया है, तो आप वहां देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा यह 3 चरणों और 4 चरणों वाला क्या यहाँ पर सिस्टम है, तो इसको देख सकते हैं यह भारत में इसको निर्माण भारत में ही हुआ है। इसके अलावा इसका जो मुख्य कार्य है, यह मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षा में लॉन्च करता है, ठीक है, जो संचार उपग्रह है इनको जो भूस्तर के कक्षा है पृथ्वी के यहाँ भी इसमें लॉन्च करता है। इसका जो लागत है आप देख सकते हैं 375 करोड़ रुपए यहाँ पर इसकी लागत है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, हमारा मिशन है चंद्रयान 2 ना कि GSLV, तो लॉन्च व्हीकल को थोड़ा जान लें आप बस, और यहाँ पर जो मुख्य हमारे यह पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है ऑर्बिटर, ठीक है, ऑर्बिटर तो यह 100 किलोमीटर की जो कक्षा है यहाँ पर चंद्रमा की, तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह चंद्रमा के चक्कर लगाएगा, और इसमें 8 वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं, तो यह जो चंद्रमा है इसके उपकरणों के द्वारा चंद्रमा की जानकारी पृथ्वी पर भेजेगा, तो यह इसका मुख्य काम है। इसका वजन आप देख सकते हैं 682 किलोग्राम है, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत। फिर बात करें हम विक्रम लैंडर की, तो आप देख सकते हैं यह पहले तो देखिए चंद्रमा पर लैंडिंग करनी है, तो आपने यहाँ पर देखा कितने पर, 100 किलोमीटर पर यहाँ पर चक्कर लगा रहा है हमारा एक ऑर्बिटर। अब जो हमारा विक्रम लैंडर है ऑर्बिटर से अलग होकर
100 किलोमीटर की कक्षा से नीचे जाएगा, धीरे धीरे 30 पर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर चंद्रमा की सतह पर यह उतरेगा। लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है, वजन है यहाँ पर 1471 किलोग्राम, तो इसका वजन देख सकते हैं। और इसको देखिए, विक्रम है जो इसको 12 डिग्री तक ढलान पर सुरक्षित उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 12 डिग्री की अगर कोई ढलान भी है ऐसे ही, तो इस पर भी यह उतर सकता है, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी रोवर की। तो रोवर यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, रोवर को यहाँ पर इसका नाम दिया गया है प्रज्ञान, ठीक है, और इसका विक्रम यानी कि जो लैंडर है इसको नाम दिया गया है विक्रम, ठीक है। तो नाम का यहाँ ध्यान रखें, इसका क्या नाम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रोवर यह मात्र 27 किलोग्राम का है, ठीक है। इसमें सौर ऊर्जा से यहाँ पर चार्ज होने वाली बैटरी लगाई गई है, तो यह सौर ऊर्जा से चलेगा। इसमें 6 पहिए हैं, जैसा कि अभी आपको फोटो में भी दिखाया था। यह 500 मीटर की दूरी पर चलेगा और साथ ही इसकी जो स्पीड है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से यह आगे बढ़ेगा। और यह जो चंद्रमा की सतह है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर इस सतह पर ऑन साइट डेटा का विश्लेषण करेगा, और यह डेटा यहाँ पर सैटेलाइट को भेजेगा, जो हमारा ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर हमें पृथ्वी पर डेटा भेजेगा। तो इस तरह से यह संचालित होगा। तो यह तो हमारे विभिन्न पार्ट थे। अब हम इनमें से जो पेलोड लगाए गए हैं, यह महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पेलोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें 8 वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं जो कि ऑर्बिटर में, टोटल यहाँ पर 14 उपकरण लगाए गए हैं, ठीक है। चार लैंडर है जो इसमें 4 उपकरण लगाए गए हैं, साथ ही जो रोवर है इसमें 2, यहाँ पर देखिए 3 होंगे शायद, ठीक है, और 2 उपकरण लगाए गए हैं रोवर में, ठीक है। तो इस तरह से उपकरण लगाए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक सेकंड क्लियर कर ले, आप यहाँ पर देखिए टोटल तो 14 है, इसमें से 13 उपकरण भारत ने खुद बनाए हैं, ठीक है। एक उपकरण यहाँ पर अमेरिका का लगा हुआ है, तो उसको हम भी देखेंगे। लेकिन जो 13 उपकरण है, 13 में से 8 उपकरण यहाँ पर ऑर्बिटर में लगाए गए हैं, ठीक है। और फिर 4 जो उपकरण है यहाँ पर, जो लैंडर है विक्रम उसमें लगाए गए हैं, और रोवर है इसमें 2 उपकरण लगाए गए हैं, टोटल 14 है, याद रखें 13 भारत के हैं। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं पेलोड। तो पेलोड से आप समझ गए होंगे क्या क्या उपकरण लगाए गए हैं। तो जो ऑर्बिटर है जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसमें डिस्कस करते हैं। पहले तो लगाया गया है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे एक्सपेक्ट्रोमीटर क्लास, ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर तत्व, कौन कौन से तत्व हैं, किस तरह से उनकी संरचना है, इन सबके एक्सरे द्वारा यहाँ पर डाटा भेजा जाएगा कि किस तरह की यहाँ पर तत्व वगैरह है, उनकी संरचना किस तरह की है। फिर दूसरा उपकरण है इसमें सोलर एक्सरे मॉनिटरिंग XSM, यह चंद्रमा की सतह पर मौजूद प्रमुख तत्वों की मैपिंग करेगा, और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा यह उपकरण बनाया गया है। तो जो प्रमुख तत्व हैं उनकी मैपिंग करेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में यहाँ पर तत्व वगैरह हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूअल फ्रिक्वेंसी LNS बैंड के जो सिंथेटिक एपरेचर रडार DFSAR है, यह यहाँ पर पानी के तत्वों का यहाँ पर पता लगाएगा कि यहाँ पर बर्फ है या फिर पानी है, पानी किस तरह से यहाँ पर हो सकता है। तो यह सब इसका काम है, एल और एस बैंड का जो उपकरण है रडार इसका। अब यहाँ पर जो अगले जो यहाँ पर उपकरण है उनको देखते हैं। अगला जो उपकरण है यहाँ पर इमेज IR स्पेक्ट्रोमीटर, तो जो खनिज वगैरह हैं, जल के अणु हैं, हाइड्रोक्सिल है, इन सब का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा, विस्तृत तरंग दैर्ध्य रेंज चंद्रमा की मैपिंग वगैरह की जाएगी। तो इस तरह से इस उपयोग का उपयोग किया जाए, जो उपकरण है इसका उपयोग किया जाएगा, किस तरह के खनिज वगैरह यहाँ पर उपलब्ध है। फिर अगला जो है यहाँ पर वायुमंडली कंपोजिशनल एक्सप्लोरर 2 चेस क्वाडपोल मास विश्लेषक, ये अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला चंद्र का जो वायुमंडल है, चंद्रमा का जो वातावरण है, उसका विस्तृत अध्ययन करेगा कि किस तरह का वायुमंडल है यहाँ पर, किस किस तरह की गैसें उपलब्ध वगैरह हैं, तो वह सब यह उपकरण पता लगाएगा। फिर यहाँ पर बचता है यहाँ पर टेरेन मैपिंग कैमरा 2, तो यहाँ पर जो कैमरा वगैरह लगाया गया है, तो यहाँ पर तस्वीर वगैरह भेजेगा कि चंद्र यहाँ पर चंद्रमा की सतह कैसी है, यहाँ पर पहाड़ है, पठार है, क्या है, तो यह इसका भूवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेगा, और खनिज वगैरह भी यहाँ पर पता लगाएगा कि किस एरिया में कौन से खनिज वगैरह उपलब्ध है। तो इसलिए इन उपकरणों को लगाया गया है। अब इसमें 2 और उपकरण बचे हैं, 8 उपकरण हैं हमारे यहाँ पर। तो देखिए रंभार,
डायरेक्ट यहाँ पर नाम बोल देता हूँ, रंभा को लगाया गया है, जिससे कि पता लगाया जा सके कि जो आयनोस्फीयर है इसमें इलेक्ट्रॉनिक घनत्व वगैरह है कि नहीं, इसका अध्ययन वगैरह करेगा कि किस तरह का यह है। तो याद रखें रंभा क्या काम कर रहा है, किस लिए यह लगाया गया। फिर यहाँ पर आखिरी बचता है यहाँ पर ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा OHRC। तो लैंडिंग से पहले खतरे से मुक्त सॉफ्ट लैंडिंग काउंटिंग करेगा। यह कैमरा है जो यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग वगैरह बताएगा कि सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है या नहीं, तो इसके लिए इसे लगाया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए विक्रम जो लैंडर है पेलोड, इसकी बात करते हैं। विक्रम में यहाँ पर तीन उपकरण लगाए गए हैं जिसे हम पेलोड बोलते हैं। तो पहले तो देखिए यहाँ पर चंद्र भूकंपीय गतिविधि ILSA, तो इसको लगाया गया है। तो पता चलेगा, देखिए पहली बात तो यह चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, तो अब यह उपकरण लगाया गया है कि देखेगा कि चंद्रमा पर भूकंप आते हैं या नहीं, पृथ्वी जैसा कंपन होता है या नहीं, तो यह सब यह उपकरण पता लगाएगा। दूसरा, फिर यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर थर्मो भौतिक प्रयोग चेस्टी लगाया गया है, जिससे कि पता चलेगा कि थर्मल गुण वगैरह है कि नहीं, पता चलेगा कि यह गर्म है कि नहीं, अंदर से ठंडा तो नहीं है, कितना गर्म है, तो इस तरह से जो थर्मल गुण है इसका वह पता लगाएगा यह उपकरण। फिर इसमें यहाँ पर दो उपकरण और बचे हैं, चार उपकरण लगाए गए हैं विक्रम में। तो रंभा लैंगमुइर यह घनत्व और चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा के विभिन्नता को नापेगा। याद रखें घनत्वता कैसी है यहाँ पर, जो प्लाज्मा वगैरह है इनमें कैसी भिन्नता है, तो इन सबको यहाँ पर चेक करेगा। फिर यहाँ पर देखिए नासा के द्वारा, यहाँ पर जैसा कि 13 उपकरण हमारे भारत के हैं और 14वां उपकरण किसका है, नासा का यानी कि अमेरिका का, तो इसके द्वारा यहाँ पर एक सेंसर वगैरह लगाया गया, सॉरी लेजर लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं, तो इसका नाम यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसका नाम है गोडार्ड स्पेस स्पाइस सेंटर, यानी कि जो नासा है इसका सेंटर है ये, इसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है, इसका नाम है लेजर रिएक्टोफ्लेक्टर सरणी। तो यह उपकरण लगाया गया है, तो लेजर से आप क्या समझते हैं, तो यह चंद्रमा की सतह से लेजर भेजेगा पृथ्वी पर, या फिर पृथ्वी से नहीं, देखिए मान के चलिए यह चंद्रमा है, यह यहाँ पर पृथ्वी है बड़ी, अगर यहाँ पर यह उपकरण लगा हुआ है चंद्रमा पर हमारे विक्रम में, तो अब अगर आप पृथ्वी से यहाँ पर लेजर लाइट भेजेंगे तो यह इस उपकरण से टकरा कर वापस आएगी, तो हमें पता चलेगा कि चंद्रमा की दूरी क्या है, और आप 2 साल बाद फिर से इसका उपयोग करेंगे तो हमें फिर से यहाँ पर दूरी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं चंद्रमा की दूरी क्या है, क्या चंद्रमा समय के साथ पृथ्वी से दूर जा रहा है या पृथ्वी के पास आ रहा है, तो इसलिए इस उपकरण को यहाँ पर लगाया गया है ताकि हम दूरी भी जांच सकें, टाइम भी निकाल सकें यहाँ पर, साथ ही यहाँ पर चंद्रमा की पता चल जाए कि किस गति से कहाँ जाता है, किस जगह पर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, कितने कौन से जगह से यह पृथ्वी के सबसे करीब होता है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि देखिए आगे आने वाले समय में 2024 तक यहाँ पर बात की जा रही है कि नासा है जो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों को उतारेगा और पता लगाएगा कि यहाँ पर पानी वगैरह है कि नहीं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर काम करने की किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यह उपकरण महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें रोवर की, तो रोवर में 2 उपकरण लगाए गए हैं, पहला तो कौन है इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम LEOs बोल सकते हैं, तो बेंगलोर की प्रयोगशाला में इसको बनाया गया है, यह लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है सिर्फ लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्पेक्टर। इसके बाद बात करें अल्फा पार्टिकल ने PRL अहमदाबाद ने इसको बनाया गया है, तो यह भी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप का संकेत देता है। तो देखिए यह मान के चलिए रोवर यहाँ है, अब इसको यहाँ पर चलेगा तो यहाँ पर कुछ डाटा निकालेगा, यह फिर यहाँ पर डाटा निकालेगा, और यह जमीन के अंदर का डाटा निकालेगा, बाहर का डाटा निकालेगा, तो इसलिए इस तरह के उपकरण लगाए हैं। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि इन उपकरणों का क्या होता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सर्च करके देखें कि इन उपकरणों का क्या क्या महत्व है, तो आपको डिटेल में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हमारे वीडियो में आपको सिर्फ यहाँ पता होना चाहिए कौन कौन से उपकरण लगे हैं और इन उपकरणों का क्या थोड़ा मोटा काम होगा वहाँ पर, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब बात करें हम यहाँ पर रिजल्ट की, तो देखिए 7 सितंबर को अभी 7 सितंबर को कुछ ही दिन पहले यहाँ पर इसकी लैंडिंग हुई, लेकिन एक नरम लैंडिंग नहीं हो पाई है, यह कंफर्म किया है, और कहा जा रहा है कि 2.1 किलोमीटर से यहाँ पर अंतरिक्ष से संपर्क टूट गया था, जो हमारा अंतरिक्ष यान है विक्रम लैंडर था इससे संपर्क टूट गया था, तो एक तरीके से ही सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई है, इसलिए यह बताया जा रहा है कि जो हमारा लैंडिंग वाला सिस्टम था, लैंडिंग वाला हमारा मिशन था, वह विफल हो गया है। साथ ही इसरो के अध्यक्ष हैं सिवन जी, तो इन्होंने संचारी रूप से बताया है
कि हार्ड लैंडिंग हुई है यहाँ पर, जो लैंडिंग थी काफी हार्ड हुई है, जिससे यहाँ पर हो सकता है उपकरण में डैमेज आ गया हो और हो सकता है नष्ट भी हो गया हो, लेकिन अभी भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं इससे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही इन्होंने बताया है कि हो सकता है लैंडिंग के द्वारा, लैंडिंग भले ही ना सॉफ्ट हुई हो लेकिन जैसे ही यह सतह पर आया तो यह पलट गया है, उलट गया है, जिसके कारण संपर्क नहीं हो रहा है। लगातार वैज्ञानिक संपर्क बना रहे हैं, हो सकता है संपर्क बन जाए, तो उम्मीद करते हैं बन जाए तो अच्छा है। तो यह यहाँ पर इसका रिजल्ट रहा है। बाकी अगर आप देखें तो मिशन 90 से 95% तक सक्सेस हो चुका है, क्योंकि देखिए मुख्य उपकरण, 8 उपकरण हमारे किसमें लगे हैं, यहाँ पर जो ऑर्बिटर है चंद्रमा के चारों चक्कर लगा रहा है इसमें, तो यह हमारा सफल रहेगा, तो इसलिए यह 90 से 95% तक सफल हो गया है। तो एक सफल मिशन है और एक शानदार मिशन है। तो यह हमारा कंप्लीट आज का डिस्कशन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही वीडियो को हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के साथ शेयर भी करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।